हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मुस्लिम्स का अभी रमज़ान का महीना चल रहा है एंड इस महीने में वो जो कुछ भी करेंगे, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या गलत चीज़ हो, पॉजिटिव चीज़ें हो या फिर नेगेटिव चीज़ें हो, उसका 70% उनको रिटर्न मिलता है। मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जितने भी मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, इवन जितने भी मैं मुस्लिम्स को जानती हूँ, उनके थ्रू मुझे ये बातें पता चली हैं कि रमज़ान के टाइम पे जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी बोला जाता है, उसका अच्छा असर भी होता है और बुरा असर भी होता है। वो आपके करने के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे तो उसका 70% अच्छा होगा आपके साथ, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। इनके लैंग्वेज में बोला जाता है उसे कि सवाब मिलता है, तो 70% सवाब मिलेगा आपको अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो, और अगर कुछ बुरा करोगे तो उसका भी 70% बढ़ करके बुरा आपको मिलेगा, आपके साथ में होगा। ऐसा इनके धर्म में ये चीज़ माना जाता है। इवन मैं ये चीज़ खुद से नहीं कह रही हूँ, मुझे मुस्लिम लोगों ने ही ये चीज़ बताई है। जो भी मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है कि ये महीना इनके लिए बहुत पावन महीना माना जाता है। तो इस टाइम पे ये चाह कर भी झूठ नहीं बोलते, गलत से भी गलत चीज़ नहीं करते, मतलब गलती से भी कुछ ऐसा मिस्टेक नहीं करते जिसके वजह से इन्हें कुछ भारी नुकसान हो या फिर कुछ बहुत बड़ा गलत फेस करना पड़ जाए या रॉन्ग कुछ इनके साथ में हो जाए। बट अगर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करोगे जनाब एंड फैमिली से, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक्सपेक्ट मत ही करना, बिकॉज झूठ 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 की इनकी इतनी बड़ी दुनिया है कि उसमें सच का कोई नामो निशान ही नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है, आई होप कि आप लोगों को भी याद होगा कि जनाब ने अपने व्लॉग में जो ट्रॉफी दिखाई थी, आपको याद होगा जो उन्होंने कहा था कि उन्हें दुबई से आया है, वो एक बहुत बड़ा झूठ था। बिकॉज़ वो ट्रॉफी खुद मैडम साहिबा ने इंडिया में ही बनवाया एंड खुद मैडम ने उस ट्रॉफी को ख़रीद करके ला करके रखा एंड कहा कि वो दुबई से आया है, वो तो इनका पहला झूठ था। इसके साथ साथ जनाब ने ये झूठ भी बोला कि वो ट्रॉफी जो है वो जनाब हमारे सामने ओपन कर रहे हैं, यानी कि वो उसे अपने व्लॉग में ओपन कर रहे हैं, जबकि उनके व्लॉग में ये चीज़ पहले ही कैप्चर हो चुकी थी कि ट्रॉफी पहले से खुल करके वहीं टेबल पर रखी हुई थी एंड ये चीज़ जनाब को भी नहीं दिखी एडिटिंग करने के टाइम पर। तो दूसरा झूठ तो वहीं पर था। तो खैर, जनाब की तो आदत ही है झूठ बोलने की, तो आप सोचो जो इंसान दूसरे को बद्दुआ दिलवाता है वो खुद रमज़ान के महीने में ऐसे ऐसे झूठ बोलता है एंड इसके बाद इस चीज़ को उसने मेकअप भी नहीं किया, कवर अप भी नहीं किया कि हाँ बाई मिस्टेक मुझसे ऐसी गलती हो गई। जी नहीं, कुछ भी नहीं, उस बारे में उसने बात ही नहीं किया, जैसे कि बहुत महान काम किया है। तो जब आप दूसरे को बद्दुआ दिलवाते हो जनाब, तो खुद के लिए भी तैयार रहो कि आप जब इस तरह का झूठ बोलते हो अपने ब्लॉग्स में, वो भी रमज़ान के टाइम पे, तो सोचो आपको कितना अच्छी पॉजिटिव चीज़ें रिटर्न में मिलेगी, वो तो आप खुद ही सोच लो। तो खैर, ये तो बात हो गई जनाब की। मुझे चपूतरा के लिए थोड़ा आश्चर्य लगता है। ये डंप औरत जिसे पता है कि इसकी एक एक हरकत पे पूरी दुनिया की नज़र है, ये हर चीज़ गलत ही करती है, चाहे वो किचन में हो, किचन से बाहर हो, घूमने के टाइम पे हो, खाने के टाइम पे हो, बनाने के टाइम पे हो, घर के डेकोरेशन रेनोवेशन से लेकर के साफ़ सफाई के टाइम पे हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ गलत करना, काम बिगाड़ना, ये इसकी आदत हो चुकी है। इस अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो फिर इसका ब्लॉग चलेगा ही नहीं। तो ये और इस चीज़ पे अधिकतर लोगों की नज़र रहती है, अधिकतर की क्या, पूरी दुनिया की नज़र रहती है इसकी इन सारी हरकतों पे। इसे लगता है कि इसके इन सारी हरकतों के वजह से ही इसका ब्लॉग चलता है, ये ऐसी चीज़ें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग उसके बारे में बात करेंगे एंड उसके बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि क्या हुआ है, चलो तो देखें चपूतरा के ब्लॉग में क्या हुआ है। तो वहाँ तक तो बातें ठीक है, लेकिन रमज़ान के टाइम पे झूठ बोलना, अब आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ।
आप लोगों ने इसका रील तो देखा ही होगा। अभी लास्ट इसने जो अबाया पहन करके रील्स डाली है, पर्पल पर्पल बैगनी बन करके इसने जो डाला है, उस रील के स्टार्टिंग में इसने एक चीज़ बोली जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। यहाँ पे वो स्पेशली गई थी पहले तो प्रमोशन करने के लिए, उस ज्वेलरी शॉप का प्रमोशन इसे करना था, इस वजह से इसने वो रील बनाई। उसके बाद चलो ठीक है, प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है, नोट छापना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नोट छापने के लिए झूठ बोलना, इस तरह की हरकत करना, मतलब आधी रात को किसी को भी उठा देना, किसी के भी कमरे में चले जाना, उनसे बचकानी हरकतें करना, मैं इस बारे में भी डिस्कस करूँगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। पहले मैं आपको ज्वेलरी शॉप के बारे में बता देती हूँ कि जब ये ज्वेलरी शॉप का प्रमोशन कर रही थी, वहाँ पर एंटर करते के साथ ये क्या बोलती है कि मुझे जब भी गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए होती है, जब भी मैं गोल्ड की ज्वेलरी ख़रीदना चाहती हूँ, तब मैं यहीं पर आती हूँ। मतलब एक बहुत बड़ा झूठ, जबकि सबको पता है कि इनके यहाँ अधिकतर से अधिकतर चीज़ें जो हैं वो तनिष्क से ही आती हैं। अभी चबूतरा को जो बर्थडे गिफ्ट भी उसके भाई भाभी ने दिया, वो भी तनिष्क से ही दिया था। मैडम ने अपनी नोज पेन, अपनी मम्मी के कान के इयररिंग, अपनी सासू माँ के लिए इयररिंग्स, ये सब कुछ तनिष्क से ही ख़रीदा है। इवन चबूतरा भी जब ख़रीदती है तो तनिष्क से ही ख़रीदती है, ये लोग तनिष्क के अलावा कहीं नहीं जाते। तो इतना बड़ा झूठ तो खैर चबूतरा ने बोल दिया अपने रील के स्टार्टिंग में ही, तो इसे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस टाइम पे इतना बड़ा झूठ बोल रही हूँ तो इसका क्या असर मुझ पर होगा। ये तो हो गई गोल्ड वाली ज्वेलरी की बात। दूसरी मैं बात जो बोल रही थी कि पैसे के लिए आधी रात को किसी को भी उठा देना, तो आप इसका जब ब्लॉग देखोगे, वैसे तो मैं बोलूँगी कि मत ही देखना, लेकिन फिर भी जब देखोगे ना तो दिखेगा कि इसने जो बचकानी बचकानी मतलब हरकतें की है, कंपटीशन करवाया है, कभी बॉटल को सर पे रख कर के कंपटीशन करना, कभी बर्फ़ को हाथ में लेकर के कंपटीशन करना, ये सारी बचकानी हरकतें ये जो कर रही है रमज़ान के टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे प्रेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रेयर में बिताना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, उस टाइम पे ये सारी बचकानी हरकतें कर रही है। क्यों? सिर्फ व्यूज़ के लिए, ताकि व्यूज़ बढ़े और रुपया छाप सके। उसके लिए एक बूढ़ी बुज़ुर्ग औरत को आधी नींद से उठाना, उसके कमरे में जाना, लाइट ऑफ है तो लाइट को ऑन कर करके उसे उठाना एंड फिर उससे कंपटीशन करवाना, ये कहाँ की समझदारी है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। आई मीन अम्मा जब रात को सो रही थी, सब कुछ हो जाने के बाद ये अम्मा के कमरे में जाती है, उन्हें उठाती है कि आप उठो, उठ करके आओ, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो एंड फिर बर्फ़ को अपने हाथ पे रखो, मतलब एक बचकानी सी हरकत करो एंड इसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगी। मतलब सोचिए कि कितनी बेवकूफ़ औरत है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इंसान किस स्टेज में किस सिचुएशन में है, इसे सिर्फ अपने आप से, अपने कंपटीशन से, अपने व्यूज़, अपने पैसे, बस इन सब चीज़ से फ़र्क पड़ता है। उतनी रात को अम्मा को उठा करके, अम्मा को ही नहीं, इसने पूरे घर को उठा के रख दिया, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बेटी खाला हो, चाहे वो इसकी खुद की मम्मी हो, अम्मी हो, हर किसी को उठा करके बैठा दिया बाहर हॉल में एंड सबके हाथों में एक एक बर्फ पकड़ा दिया। मतलब इंसान नींद से सडनली उठता है ना तो उसे खुद से एक गिलास पानी लेकर के भी पीने का मन नहीं करता, वो भी सोचता है कि चलो मुझे कोई दे देता तो कितना अच्छा, मैं पी करके फिर सो जाती। लेकिन ये बेवकूफ़ औरत, इतना सोचना तो दूर की बात है, पूरे घर वालों को उठा करके हॉल में लेकर के आती है, लाइट्स वगैरह ऑन कर देती है देन फिर ठंडे ठंडे बर्फ़ को बोलती है कि आप अपने हाथ में पकड़ करके रखो, देखती हूँ कौन कितने देर तक रख सकता है, वो भी किस लिए, चंद रुपयों के लिए। ये चीज़ दिखा करके ये तो लाखों में कमा लेगी, लेकिन बदले में दिया कितना, मात्र 3,000 रुपये एंड वो भी दो इंसान को बांट करके, बिकॉज जो रेहान एंड रिजा है उन दोनों ने काफ़ी देर तक अपने हाथ में बर्फ़ को रखा, तो इस वजह से वो जो पैसे हैं वो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो गए। तो मतलब कंपटीशन करना, बचकानी हरकतें करना, ये सब कुछ तुम दिन में भी कर सकती हो, अगर तुम्हें अपने ब्लॉग लंबा करने का इतना ही शौक़ है तो दिन में कर लो, वैसे भी दिन भर इनको खाना पीना रहता नहीं है, कुछ करना रहता नहीं, ना खाना है तो फिर बनाना भी नहीं है, आप एक ही बार शाम को खाते हो,
तो फिर दिन भर दिन का जो समय है वो ज़रूरी है कि पर डे मार्केट में ही बिताना है। आप ये बचकानी हरकतें उस समय में घर पे कर लो, आपका ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा, दूसरे की नींद भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि खुद तो इसे सो जाना है। ये सब हरकत करने के बाद खुद तो इसे आराम से सोना है, ना सुबह उठना है सहरी के टाइम पे, ना और कुछ करना है, बिकॉज़ सहरी भी रिजा बना करके चली जाती है। आपने देखा होगा इसके ब्लॉग में इसने बोला कि पराठे अभी रिजा बना करके गई है, तो ये खुद से सुबह के टाइम पे कुछ बनाती भी नहीं है, वो भी रिजा से बनवा करके रखती है, उसके बाद खा करके फिर सो जाना है, फिर जब मन होगा तब उठना है। एंड फिर शाम का जो इफ्तार होता है वो भी इसकी बेटी खाला जो है वही प्रिपेयर करती है, तो इसे कुछ नहीं करना होता है। तो खुद तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सोना है, लेकिन दूसरे इंसान की नींद ख़राब करना है, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है और पैसे छापना है। तो ये है इनकी आदतें एंड ये है इनकी हरकतें जो ये रमज़ान के महीने में, इतने पावन महीने में कर रहे हैं। तो खैर इनके व्यूअर्स को तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है एंड इनकी हरकतें कैसी हैं। सो बस गाइस, आज का ये पॉडकास्ट हम इसी टॉपिक के साथ यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस।